बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक हैं। तो आज अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तकरीबन 5:30 से ऊपर हो गया टाइम, तो मैं अपना बनाने लगी इफ्तारी। तो सबसे पहले तो मैं ये बना रही हूँ गाजर का हलवा। ये वही गाजरें हैं जो मैंने ना मार्च के एंड में ली थी, तो फ्रीज कर ली थी कद्दूकस करके। अब मैं इसका बना रही हूँ आज मीठा गाजर का हलवा। इसमें मैंने मलाई डाल दी है, पहले दूध डाल के बनाया, अब मलाई डाली, अब देसी घी डाल रही हूँ। तो साथ ही मैं डाल देती हूँ इसमें चीनी, और ये होगा आज का हमारा मीठा। तो क्या बेटा, आप क्या कह रहे हो मुझे जी? मेरी जान, वो ये स्वीट डिश है बेटा, मजे वाली स्वीट डिश है। इधर मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, मैं इससे बना रही हूँ दिल बड़े। तो इधर ये मैंने सामान भी रख लिया, खीरा टमाटर बंद गोभी, ये चटनी का सामान है, पुदीना है, धनिया है, हरी मिर्चें हैं, ये मैं बनाऊँगी चटनी। इधर मैंने साग आज जो मैंने फ्रीज किया हुआ था उसको मैंने तड़का लगाना है, हरी मिर्चें, लहसुन, टमाटर और प्याज रख लिया। तो मैं आज बनाने लगी हूँ साग और ये गाजर का हलवा। साग कई बड़े, और ड्रिंक में क्या होता है, पानी में क्या बनाते हैं ये देखते हैं क्या बनता है। हाँ अभी बनता है ना, आपने बेटे को पहले दूंगी, ठीक हो गया? इधर आओ मेरे पास, आप इधर आओ। शाबाश बेटा, जूता सीधा पहनते हैं, दादो की पारी नहीं करनी, करो फिर। नहीं इधर से अपनी भी दो। हाय हाय, बड़ा प्यार आ रहा डालो भाई। अरे जप्पी कैसे डालते हैं? जप्पी कैसे, दोनों हाथों से डालते हैं जप्पी। और क्या खाया आपने, क्या क्या खाया? पिंक? नहीं पिंक नहीं, आपको कलर नेम आते हैं? आते हैं वो आंटियों को बताओ। 1-2 आता? हाँ 1 जी जी जी। नाइन? इतनी जल्दी आ जाता है? नहीं बेटा इतनी जल्दी नाइन नहीं आता। इधर आओ, बात सुनो बात सुनो, आज आपने क्या बनाया है, क्या खाया मेरे बेटे ने? यम्मी यम्मी जी। तो इधर मेरा ना प्याज ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डालूंगी, और साथ ही मैं टमाटर इसका अच्छा सा बनाते हैं मसाला, फिर मैं साग में डाल दी। और इधर मैं चटनी बना रही हूँ, चटनी में की धनिए की हरी मिर्च की, दही भल में डालने के लिए आलू मैंने छील ली है। जैसे कि मेरा परसों तैयार होगा, मैं ये साग में डाल दूँगा। साग भी मैंने भून लिया अच्छे से, थोड़ा सा नमक डालना, जब खाना खाएंगे तभी डालेंगे, क्योंकि पता चलता जब खाए बंदा इस तरह रोजे से तो नहीं पता चलेगा जी। तो इधर मैं अपने करने लगी हूँ दही भले, मिक्स भले में डाल दिए, आलू डाल दिए मैंने, और ये हमारी बंद गोभी, खीरा, टमाटर और प्याज। ये है हमारा दही, अब बहुत जल्दी है, बस टाइम थोड़ा सा रह गया, जल्दी से बना लेते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अपनी चटनी जो बनाई है मैंने, और ये चाट मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमारा साग भी तैयार हो गया, मैंने तड़का लगा लिया। ये देखिए मेरा गाजर का हलवा भी
बिल्कुल तैयार है। मैंने गाजरें पहले से कच्ची कद्दूकश करके रखी हुई थी, अभी मैंने बनाई है। उसमें ढेर सारी मलाई डाली है, फिर इसमें देसी घी डाला, चीनी डाली है और इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। और ये रहे हमारे दही बड़े, हम जल्दी से पानी बना लेते हैं। ये है हमारी स्ट्रॉबेरी, अब हम इससे बनाएंगे मिल्क शेक। टाइम बहुत थोड़ा सा कम रह गया तो मैंने जल्दी से ना बना रही है मिल्क शेक। तो बस हमारे आगे के मेहमान, जिनकी वजह से हमें थोड़ी सी हो गई देर, तो उनके जाते ही हमने फिर अपने अफ्तारी का शुरू कर दिया। आज तो ना बनाई हमने चिप्स और ना पकौड़े। तो जल्दी से मैं इधर रोटियां बना लेती हूँ, तो माशाल्लाह से तारी का बिल्कुल टाइम थोड़ा सा रह गया, एक दो मिनट रह गया। मैंने कहा जल्दी से रोटी भी बना लूँ तो फिर हम करते हैं अफ्तारी। बाकी फिर बाद में अफ्तारी के बाद में खाना खाएंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये गजरेला भी माशाल्लाह से तैयार हो गया, साग भी हमने तड़क लिया और ये हमारा मिल्क शेक भी स्ट्रॉबेरी का बन गया, दही भल्ले भी हो गए हैं, खजूर है और ये साथ सादा पानी रोटी। माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये अफ्तारी का सारा इंतज़ाम हो गया। तो जिस बहन भाई ने हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करना है वो भी आ सकते हैं हमारे साथ रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। तो आपने हमें ज़रूर कमेंट करके बताना कि हमारा ये ब्लॉग कैसा लगता है, हमारी ये तैयारी जो होती है अफ्तारी की वो कैसी लगती है। तो कमेंट ज़रूर करना, लाजमी करना कमेंट, और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आप हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। तो रोज़ा माशाल्लाह। आ जाओ बच्चों, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जी तो जिस बहन भाई ने हमारे साथ गाजर का हलवा खाना है, चाय पीनी है, वो भी आ सकते हैं हमारे साथ, चाय पी सकते हैं, गाजर का हलवा खा सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। मेरी वीडियो को अगर आपने बिस्मिल्लाह गिर गए हो ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएँ कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है। तो अपनी दुआ में रखें याद, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला सबको ईमान दे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय बोलो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वो देखो आंटी कह रही है अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बोलो, बता आप बोल दो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।